देख सकते हैं ये मेन कोणार्क मंदिर हुआ, जो आपको दिख रहा होगा मेरे कैमरा में, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा आज काफ़ी भीड़ है, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं इधर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी देख सकते हैं सुबह के 6:09 हो चुके हैं। आज मेरा बस भ्रमण का जो टिकट लिया था, मैं अभी मैं चलता हूँ बस भ्रमण के लिए। देख सकते हैं टिकट लिया था मैं, आज बस से ही भ्रमण करेंगे पूरा कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और नंदनकानन वगैरह। चलिए फिर मैं चलता हूँ फिर बस पे और दिखाता हूँ और सबका टूर। हेलो गाइस, देख सकते हैं फाइनली मैं बस के पास पहुँच चुका हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारा बस लगी हुई है और इसी में से मेरा एक बस है जिससे मैं भी ट्रेवल के लिए चल रहा हूँ। देख सकते हैं जो मेरे पीछे दिख रहा है बस, इसी से भी मैं जा रहा हूँ ट्रेवल के लिए और इसी में मेरा फर्स्ट सीट मैं लिया हूँ, सिंगल वाला आगे का। जैसे देख सकते हैं ये बस है और मैं ये सीट लिया हूँ सिंगल वाला, फिर मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ बाकी सबका टूर का व्यू। हेलो गाइस, जैसे देख सकते हैं ये मेरा बस का जो टूर बस था उसका फर्स्ट स्टॉप है चंद्रभागा बीच, जिसको गोल्डन बीच के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सन का जो लाइट है सबसे पहले यहीं पर पड़ता है और यहाँ का जो रेत है वो गोल्डन तरह चमकता है, इसलिए यहाँ का नाम गोल्डन बीच अभी रखा गया है। देख सकते हैं मेरे पीछे यही बीच है गोल्डन बीच, जो चंद्रभागा बीच भी करते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आके आप कुछ इंटरव्यू के लिए देख सकते हैं, इधर बाइक वगैरह भी है जो कि आप चला सकते हैं, देख सकते हैं इधर मेरे पीछे आप इसका भी लुक चला सकते हैं यहाँ पर आकर। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, समुद्र का जो लहर है देखते हुए यहाँ पे पानी जो है साफ ही पानी है, नीचे पूरा रेत है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर का जो देखते हैं पीछे, पीछे कुछ दुकानें वगैरह भी लगे हुए हैं, अगर आपको कुछ सामान वगैरह कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक लोग पूरा इंजॉय करते हुए इधर पीछे, देख सकते हैं इधर पीछे तक का गाइस। देख सकते हैं मेरा सेकेंड स्टॉप है कोणार्क मंदिर और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं होटल है आहार होटल, इसमें अभी हम लोग ऑर्डर लेते हैं और जो कि वेज थाली का रोटी थाली का प्राइस है 130 रुपया है और अदर वगैरह का भी देख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेनू कार्ड, जैसा गाइस देख सकते हैं इसमें पूरा मेनू कार्ड लिखा हुआ है, अगर आपको जो कुछ खाना है आके यहाँ पर खा सकते हैं, देख सकते हैं। अभी फिर मैं चलता हूँ कोणार्क मंदिर के अंदर, यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद फिर दिखाता हूँ अंदर का व्यू। जैसा कैसा आपको दिख रहा होगा सामने ही कोणार्क मंदिर है, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और दिखाते हैं अंदर का व्यू। देख सकते हैं यहाँ का हम लोग अंतर जो है इन करने वाले हैं कोणार्क मंदिर में, दिख पा रहा होगा आपको, जैसा कैसा आपको दिख पा रहा होगा यहाँ का जो मेन मंदिर है देख सकते हैं कोणार्क मंदिर आपका ए वाला हुआ, इधर तो देख रहे नहीं, देख सकते हैं सामने देख सकते हैं ये मेन कोणार्क मंदिर हुआ जो आपको दिख रहा होगा मेरे कैमरा में, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा आज काफ़ी भीड़ है आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं इधर। जैसा गाइस देख सकते हैं मंदिर के भी हम पोजीशन में आए हुए हैं, इधर भी जो है रथ का जो है 12 पहिया है जैसा आपको दिख रहा होगा, ये मंदिर का अपोजिट साइड है दिख रहा होगा, इधर सब लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, देख सकते हैं ये मंदिर के इधर का और व्यू। जैसा गाइस देख सकते हैं मंदिर के अपोजिट साइड भी इधर एक द्वार बना हुआ है, दिख पा रहा होगा आपको, दिख रहा है यहाँ पर सब लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं,
देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर जो ये बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर चढ़ना सख्त मना है। गाइस देख सकते हैं मंदिर का फ्रंट कवर व्यू है, सकते हैं मंदिर का साइड फ्रंट कवर व्यू है, दिख पा रहा होगा आपको। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा ये छापा देवी मंदिर है जो कि पूरा गिर चुका है, अभी देख सकते हैं जैसा बस नीचे का ही बचा हुआ है, ऊपर सब पूरा गिर चुका है। जैसा गाइस जो आप देख पा रहे होंगे ये बीम, ये लोहा का बीम है जो कि मंदिर में और जो भी मंदिर बना था उसमें यूज किया गया था, इसी से सूर्य की रोशनी इस पर पड़ने की वजह से उसे मैग्नेट उत्पन्न होता था, जिसके वजह से यहाँ के लोग जो हैं इस मंदिर को मैग्नेट मंदिर के नाम से भी कहने लग गए थे, देख सकते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं ये मंदिर ये नाट्य मंदिर है जो कि सूर्य मंदिर के जस्ट सामने है और इस पर सब चढ़ के फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको और देख सकते हैं सामने ये जो है सूर्य मंदिर है सबको दिख रहा होगा। हेलो गाइस, आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं जो कि क्योंकि जो टाइम ज़्यादा हो चुका है और जो मैं टूरिस्ट बस से आया हूँ जो गाइड हैं गाइड साहब भी फ़ोन कर रहे हैं और मैं चलता हूँ अब अपने बस के पास। जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। आज की वीडियो यहाँ तक, धन्यवाद।